गाइज आज का वीडियो इज गोइंग टू बी अ रिसेप्शन लुक मैंने एक पूरा लुक क्रिएट किया है इन बजट क्योंकि ओब्वियसली रिसेप्शन में जो भी आप कुछ पहनोगे वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है सो आई थॉट ऑफ डूइंग अफोर्डेबल लुक विथ एवरी वन लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल कैन अफोर्ड क्योंकि आप अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हो एक अच्छी साड़ी पे एक अच्छे लहंगे पे या फिर एक अच्छे गाउन पे फिर रिसेप्शन या फिर फॉर एनी अदर फंक्शन सो आई क्रिएटेड दिस वेडिंग रिसेप्शन लुक और ये सबसे खास बात यह है कि दिस इज़ अ वेल विथ साड़ी सो दिस इज़ सो परफेक्ट फॉर द सीज़न एंड या एलेक्स स्टार्ट विथ टूडेज वीडियो आज की वीडियो में मैंने ब्लाउज uh, पूरा लुक जो क्रिएट किया है विथ हेयर एक्सेसरीज ज्वेलरी एनी थिंग सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ सो लेक्स गेट स्टार्ट तो ये आउटफिट मैंने कैसे क्रिएट किया उसकी एक छोटी सी कहानी है आई वॉज लुकिंग फॉर अ रानी कलर साड़ी ऑन एमेज़ोन कॉस्की की साड़ी थी वो और कॉस्की की साड़ीज़ बहुत अच्छी

थैंक यू सो मच एंड या तो ये स्टोरी शुरू हुई थी एक मैं साड़ी ढूँढ रही थी पिंक कलर की वो मुझे मिल भी गई थी और उस पर ना थोड़ा बूटा था और बॉर्डर था कौसिकी का बट दैट साड़ी वॉज प्राइस फॉर सिक्स थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड की लगभग की वो साड़ी थी बट आई वॉज लाइक ओके चलो कोई बात नहीं एक बार लुक क्रिएट करके देखते हैं ब्लाउज uh, अफोर्डेबल ले, ले लेंगे बट उसके मैचिंग का येलो ब्लाउज मुझे नहीं मिल रहा था सो आई ऑर्डर दिस ब्लाउज़ तो मैंने ये वाला ब्लाउज ऑर्डर किया उसके हिसाब से एंड दिस इज़ सच अ नाइस पीस इसका ना मेरे पास ब्लैक कलर भी है तो उसकी फिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है इट इज़ फ्राम द ब्रांड कॉल्ड नेक बुक और इनके जो यू नो स्टाइल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और ये मुझे थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया पहले मैंने किसी और ब्रांड से मंगाया

ब्लाउज मैंने लिया तो थोड़ा सा प्रीमियम ब्लाउज है तो थोड़ा सा महंगा भी है इट कम्स विद इम्स और में डिफरेंट डिफरेंट साइज आते हैं और उसमें फ्रंट ओपनिंग है यहाँ ओके okay, तो इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे इसकी फिटिंग बहुत पसंद है एंड इट इज नॉट लाइक वेरी अफोर्डेबल वन ये ठीक ठाक प्राइस में आता है बट एक ऐसा पीस है जो कि आप पता नहीं कितनी साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हो तो वर्सेटाइल एक क्लासिक पीस है तो आप ये ऑर्डर कर सकते हो आपके काम आएगा ओके okay, देन मैंने ब्लाउज ऑर्डर कर लिया बट साड़ी पर मुझे डाउट हुआ कि अगर दो पीस रह गए तो फिर कैसे करूँगी देन मेरी नज़र में आई ये पर्पल साड़ी जो मैं बहुत दिनों से देख रही थी बट मैं श्योर नहीं थी मंगाऊँ नहीं मंगाऊँ मंगाऊँ नहीं मंगाऊँ सो दिस वॉज द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल साड़ी मुझे लगा था दिस इज़ लाइक्रा मटेरियल बिकॉज इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं था इट वॉज प्रिटी अफोर्डेबल आई थिंक मैंने ये टू थाउजेंड के रेंज में ही ली है ज़्यादा उससे कम या थोड़ी बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा की नहीं है लाइक इतने की है टू थाउजेंड के लगभग किए कम भी हो सकती है मुझे याद नहीं है अभी एंड इट हैज़ दिस ब्यूटिफुल वर्क गोइंग ऑन इस पर ना लेस लगाई है इन लोगों ने और ये पर्पल कलर का फैब्रिक है सो so, मुझे लगा कि लाइक रहा होगा ऑब्वियसली कौन इतने कम प्राइस में साड़ी दे रहा है आप साड़ी लेने जाओ ट्रू ब्राउन जितने सारे ब्रांड है सबकी साड़ी देखो कितनी महंगी है छः हज़ार सात हज़ार से तो, तो स्टार्ट हो रही है साड़ीज़ सो आई वॉज नॉट श्योर मुझे लगा कि चल कोई बात नहीं आया देखेंगे और नहीं तो फिर वापस करके कुछ और मंगाएंगे बट वेन इट arrived और मैंने इसका फैब्रिक फील किया दिस इज नॉट लाइक एट ऑल दिस इज प्योर वेलवेट बहुत अच्छा स्मूथ फैब्रिक है अकॉर्डिंग टू द price, मतलब लग नहीं रही है कोई कह नहीं सकता ये साड़ी 2000 के लगभग की रेंज की है एंड लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस साड़ी लुक्स एक्चुअली और इस साड़ी की सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि आप इसे किसी भी तरीके के ब्लाउज के साथ पहन सकते हो आप चाहो तो इस परफल पर ब्लाउज सिलवा लो आप चाहो तो अपने किसी गोल्डन ब्लाउज के स्टाइल कर लो सब पे चलेगी तो साड़ी से मैं बहुत इंप्रेस हुई एंड ये दिमाग में मेरे आया था क्योंकि जब मैंने ये साड़ी देखी थी पर्पल वाली सो ऑब्वियसली मैंने येलो ब्लाउज़ ऑर्डर कर लिया था एंड आई नो कि पर्पल और येलो ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कभी फेल नहीं होता है सो आई ऑर्डर दिस वन एंड इट टर्न आउट सुपर प्रिटी तो ये दोनों कलर कॉम्बिनेशन आप खुद देखो कितना प्यारा लगता है साथ में सो दिस इज़ सच अ नाइस कॉम्बिनेशन लोग जनरली प्रिफर नहीं करते पहनते नहीं है बट ये साथ में बहुत अच्छे से जाता है इट लुक सो ब्यूटीफुल एंड रिसेप्शन के लिए दिस साड़ी न डेफिनेटली ट्राई ट्रस्ट में आपको बहुत पसंद आएगी इसको प्लेट बनानी भी आसान है ड्रेप करना भी ईजी है और ठंड में थोड़ा सा बचा के भी रखती है वेलवेट है गर्म रहता है एंड फैब्रिक इज रियली रियली नाइस एंड इसके साथ आया है ये ब्लाउज दिस ब्लाउज इज फुल ऑन डिसअपॉइंटेंट मुझे लगा साड़ी अच्छी है तो सेम कपड़े में ब्लाउज भी देंगे बट आपने देखा वो वेलवेट वाला एक पेपर आता है बस ये समझ लो कि ये पेपर के बजाय ना एक खड़ा खड़ा सा कपड़ा है ये देखो कितना स्टिफनेस है इस कपड़े के अंदर कैसे खड़ा हुआ है सो आई डोंट लाइक द ब्लाउज ऑब्वियसली बट इसमें जो लेस है वो आप ब्लाउज में किसी और चीज में यूज कर सकते हो निकाल के बीच में इसमें बूटा दिया गया है सो दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज इसमें से प्लीज ब्लाउज मत बनवाना बिल्कुल काम नहीं आने वाला आपके तो आई स्टाइल इथ विध मुझे तो वैसे भी नहीं स्टाइल करना था उसके बाद बट स्टिल उसका कपड़ा अच्छा नहीं अगर कोई एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं आएगा कपड़ा बट साड़ी इज़ रियली नाइस एंड मुझे लगता है कि इस प्राइज में ना साड़ी सस्ती ही मिल गई है उल्टा इट्स नॉट ये लाइक वो भी नहीं है कि सही प्राइज वर्थ इट है वर्थ इट भी नहीं है और अच्छी ही आ गई है सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग और पूरी पे ले से और बहुत अच्छा और रॉयल लुक देती है इट गिवस यू लिटिल बट वाइव ऑफ दैस साड़ी जो कि एक बार अनुष्का ने पहनी थी अपने रिसेप्शन पर आई थिंक उन्होंने मरून पहनी थी बट ये पर्पल है मतलब वैसी तो नहीं लगेगी ऑब्वियसली सब सारी बट हाँ उसको जैसा ड्यूप लगती है और कलर इसका प्यारा है तो एक अच्छा डिसेंट सा लुक देती है नाउ कमिंग ऑन टू द स्टाइलिंग वो मैंने कैसे की तो जब मैंने साड़ी मंगाई थी तो मैंने नेकलेस भी मंगाया था साथ तो पिछला वाला जो लुक किया था मैंने कॉस्की वाला वो लोग वो भी बहुत लोगों को पसंद आया था क्योंकि रिसेप्शन के हिसाब से सेट वॉज एंड ये भी बहुत अफोर्डेबल है इसकी तो खुद देखो साड़ी कितनी कम पैसों में आई है लाइक एंड ब्लाउज मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो साड़ी ब्लाउज का प्राइस लगभग एक जैसा सही है और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ही सुंदर सा नेकलेस मंगाया जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है तो ये बहुत सुंदर डिज़ाइन इस पर दिया गया है इट हैज़ एस ब्यूटिफुल कुंदन गोइंग ऑन और इसमें नीचे लटकन है तो ये नेकलेस बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद और इसके साथ ना इयरिंग्स भी आए हैं मांगटिका भी आया है सो दीज आर द प्रिटी इयरिंग्स तो मैंने यही पहने एंड टीका भी है जो कि मैंने नहीं पहना क्योंकि मैं टीका जनरली पहनती नहीं हूँ आप लोगों ने देखा होगा आई डोंट प्रेफर वेयरिंग इट मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता उतना बट कभी कभी पहन सकते हो बट ये जो नेकलेस सेट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसकी क्वालिटी अमेजिंग है इट इज़ फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड लकी ज्वेलरी ये इनको मैंने एक हाथ पहले भी मंगवाया है एक्चुअली ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी करते हैं सो so, हैव रियली अमेजिंग स्टाफ तो इनकी ज्वेलरी आप ट्राई कर सकते हो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है बट प्रीमियम क्वालिटी की भी होती है कुंदन काफी अच्छा है सो आई वेंट विद दिस नेकलेस और जो मैंने सोचा था ना वैसा वैसा कन्वर्ट होता चला जा रहा था आवाज लगे लास्ट में दिखाऊंगी कैसे लगता है डोंट वरी एंड फॉर माई हेयर आई डिसाइडेड कि मैं सिंपल पीछे बन बना लूँ बालों को ऐसे लेकर और फिर ना मैंने एक हेयर एक्सेसरी ऑर्डर किया था विच इज़ वेरी नाइस आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने अच्छे हेयर क्वालिटी आ जाएगी बट ये कलर मेरे बालों से एकदम परफेक्टली मैच करता है आई ऑर्डर दिस ब्राउन शेड क्योंकि मेरे बाल थोड़े से ब्राउन टोन पे हैं और इसमें ना कुछ नहीं करना अपना सिंपल जूड़ा बनाओ छोटा सा और इस तरीके से ना इसको ऐसे इंसर्ट करके लगा दो एंड दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और इतना प्यारा जोड़ा बनता तो है आप चाहो तो हर एक्सेसरी लगा सकते हो बट आई मेंट प्लेन विद इट एंड मैंने सिंपल दो फ्रिंजेस निकाल लिए आगे लुक वॉज लुकिंग वेरी नाइस और थोड़ा सा लूज रखा बालों को यहाँ से तो ज्यादा प्यारा लग रहा था इयरिंग्स थोड़े ज्यादा उभर कर आ रहे थे तो बैगल्स मैंने अपने जो कुंदन के सारे बैंगल्स थे उनको इकट्ठा करके पहना था ये वाले मैंने लिए थे सेंटर वाले प्रियसी से और इनका लिंक भी मैं दे दूंगी प्लेन वालों का इनका नहीं मिलेगा सेंटर में जो तीन है ना अभी अवेलेबल नहीं है बट इनका मैं दे दूंगी प्लेन वालों का मिल जाएगा और ये एसेसर वाले हैं जो कि मैंने साइड में लगाए थे फॉर दैट एक्स्ट्रा रॉयल हैवी लुक यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लॉट ऑफ कड़ा और वो बहुत अच्छे लगते हैं बस ध्यान रखना कि साइड में जो कड़ा लगा रहे ना वो थोड़ा मोटा और हैवी वाला हो एंड इसने भी पूरे लुक को बहुत अच्छे से एनहस किया अगर आपकी वेडिंग हुई तो आप चूड़ा भी पहन सकते हो बट मैंने चूड़ा पहन के देखा वो रेड इसके साथ जा नहीं रहा था सो आई डिसाइडेड टू ट्राई दीज ऑल कड़ास टुगेदर ये बहुत अच्छा लुक दे रहे एंड लास्ट चीज जो मैंने कैरी की थी वो था ये क्लच विच आई बॉट एंड ये मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी वाला क्लच इतने पैसों में मिल सकता है बट इट इज़ सुपर सुपर प्री सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो कलर है वो सारे आउटफिट के साथ जाएगा एंड ये जैसे नॉर्मल आजकल क्लचेज़ आते हैं वैसा ही आप आराम से इसमें अपना फ़ोन वगैरह कुछ भी रख सकते हो थोड़ा बहुत पैसे भी आ जाएंगे एंड यू आर गुड टू गो फॉर द पार्टी और किसी भी आउटफिट पर चल जाएगा सो दिस इज़ अ वेरी वेरी बेसिक पीस दैट यू कैन ट्राई और ये मैंने इसके साथ कैरी किया सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी प्रोडक्ट के डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट आई होप कि ये वाला लुक आपको पसंद आया हो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड फॉर मेकअप आई वेंट विद वेरी सिंपल मेकअप हल्का सा मैंने यू नो पर्पल स्मोकी किया है साइज में मतलब ब्लैक यूज नहीं किया ज्यादा और सिर्फ लाइनर लगाया काजल लगाया और लिपस्टिक ये वाली लगाई है सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना सब्सक्राइब कर तो चैनल को शेयर फ्रेंड्स के साथ टिल देन टेक केयर बाय नेक्स्ट टाइम